अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस वक्त काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के लिए पहला मौका होगा जब मोदी सरकार के खिलाफ चुनावी मैदान में वो अपने समर्थकों के साथ खड़े दिखाई देंगे। इसको लेकर कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे काफी ज्यादा बैठक कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे ने अपने संभावित उम्मीदवारों को यहां तक कह दिया कि टिकट की जिद मत करो लेकिन तैयारी रखो। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि चुनाव को देखते हुए उद्धव ठाकरे किस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं, क्यों उन्होंने टिकट की जिद ना करने की बात अपने समर्थकों से, अपने संभावित उम्मीदवारों से कही है, विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर उद्धव ठाकरे का क्या रुख है और क्या प्लान है, ये भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस बात से कि उद्धव ठाकरे ने दरअसल कहा क्या है। लोकसभा सीटों के हिसाब से महाराष्ट्र देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां पर 48 लोकसभा सीटें आती हैं। पहला राज्य उत्तर प्रदेश है जहां 80 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र पर सबकी नजर टिकी हुई है। चुनाव से पहले एनडीए ने जिस प्रकार से एनसीपी और शिवसेना में फूट डाली है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उद्धव ठाकरे ये बखूबी जानते हैं कि मराठा वोटरों पर असली शिवसेना का प्रभाव कितना इस वक्त भी जमीन पर मौजूद है, और असली शिवसेना से उनका मतलब हमेशा उनकी शिवसेना से होता है। उद्धव ठाकरे ने लोकसभा सीटों के संभावित उम्मीदवारों को तैयार रहने का आदेश दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें चुनाव महाविकास आघाड़ी के रूप में लड़ना है, इसीलिए किसी को भी टिकट की जिद नहीं करनी चाहिए, लेकिन चुनाव लड़ने की तैयारी आपको रखनी चाहिए। उद्धव ठाकरे इन दिनों लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर अलग अलग लोकसभा सीटों को लेकर वहां के स्थानीय नेताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। 17 अगस्त को उद्धव ठाकरे ने नासिक, अहमदनगर और दिंडोरी लोकसभा सीटों के लिए समीक्षा बैठक की। ये बैठक उनके घर मातोश्री पर हुई। इस बैठक में चुनावी तैयारियों के अलावा संगठन की ताकत बढ़ाने पर भी खूब चर्चा की गई। खास बात यह रही कि इस बैठक में बूथ प्रमुख समेत अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। इसी तरह उन्होंने बुधवार को भी नंदुरबार, धुले, जलगांव और रावेर लोकसभा सीटों की समीक्षा की थी। पार्टी में हुई बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने नासिक और अहमदनगर की सीट पर हर हालत में जीत की तैयारी करने के लिए अपने समर्थकों से कहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अहमदनगर की सीट इस बार किसी भी हालत में बीजेपी को नहीं जीतने देना है। इस सीट पर फिलहाल राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय विखे पाटिल सांसद हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में किस तरीके से तैयारियां होनी हैं, कैसे उसकी मेजबानी होनी है, मातोश्री में इस पर भी चर्चा हुई। अपनी पार्टी के संगठन और चुनावों की तैयारी के लिए हुई बैठकों के बाद उद्धव ठाकरे के घर पर विपक्ष के नेताओं की भी बैठक हुई। इस बैठक में आगामी 31 अगस्त को मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए कांग्रेस और एनसीपी के नेता मातोश्री पर जमा हुए। बैठक में कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा, प्रदेश कांग्रेस के कार्याध्यक्ष पूर्व मंत्री नसीम खान, अतुल लोंढे, एनसीपी की तरफ से नरेंद्र वर्मा, अदिति नलवाड़े और शिवसेना की तरफ से खुद उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत शामिल थे। इस बैठक में इन बातों पर चर्चा की गई कि जब इंडिया गठबंधन के तमाम प्रमुख नेता मुंबई पहुंचेंगे तो किस तरीके से उनकी आवभगत की जाएगी, और साथ में मुंबई में एक मेज़बान के तौर पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस अपने गठबंधन को कितनी मजबूती से देश के सामने भी दिखा सकते हैं, उन तमाम पार्टियों के सामने दिखा सकते हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति में आए दिन उठ रहे सवालों को लेकर कहीं ना कहीं शंका में रहती हैं। इसके साथ ही साथ ये भी चर्चा की गई कि 31 अगस्त को जो इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में शुरू होगी उसके लिए प्रमुख एजेंडे क्या होने वाले हैं। अब उद्धव ठाकरे का ये उत्साह लोकसभा चुनाव परिणामों में उनकी शिवसेना को और साथ में जो महाराष्ट्र में इस वक्त गठबंधन एक दिखाई दे रहा है महाविकास आघाड़ी वाला, उसको कितनी सफलता दिला पाता है, ये तो वक्त के साथ ही साफ हो पाएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।